फिलहाल दोस्तों ये है रिटर्न रूम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का, और खैर ये रही फीमेल डॉर्मेट्री, और सामने आप देख पा रहे हैं वहाँ पर मेल डॉर्मेट्री है। दोस्तों बहुत ही गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है स्टेशन का। दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आपको ये ऑटोमेटेड मशीन देखने को मिल जाएगी। तो वाकई में स्टेशन जो है ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, और ये सच बात है कि ये किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं श्रेयांश जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, इस बार जर्नी में नहीं, इस बार स्टेशन रिव्यू में। दोस्तों फिलहाल मैं हूं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर। तो रानी कमलापति देवी रेलवे स्टेशन पहले हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, पर रिसेंटली इसका रेनोवेशन हुआ है और इसका नाम भी बदल दिया गया है अब हबीबगंज से रानी कमलापति देवी रेलवे स्टेशन करके। और पीछे दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये है स्टेशन की नई बिल्डिंग, और काफ़ी खूबसूरत जो इसका लुक दिया गया है बाहर से बहुत अच्छी लग रही है। कहा जा रहा है दोस्तों कि ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा बनाया गया है। सच बताऊँ ना, अगर मेरा रिव्यू जानोगे अभी पहली नज़र में, तो ये एयरपोर्ट से भी खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल इंटीरियर जानेंगे हम लोग, चलेंगे अंदर और डिटेल में इस ब्लॉग में जानेंगे हम लोग कि कैसा है स्टेशन, क्या क्या सुविधाएं हैं स्टेशन में। तो शुरू करते हैं और स्टेशन के अंदर जाते हैं और एक एक करके आपको सारी सुविधाएं जो स्टेशन में मौजूद है मैं बताऊंगा और पूरा स्टेशन का रिव्यू दूंगा। तो सो बाहर से ऐसा कुछ दिखता है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। साथ ही साथ ऐसा कुछ है बाहर का लुक, आउटर लुक। तो चलते हैं अब स्टेशन के अंदर और जानते हैं आखिर स्टेशन अंदर से कैसा है। खैर मैं तो देख चुका हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, लगभग एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा है। दोस्तों ये है रानी कमलापति के बारे में हिस्ट्री पूरी, यहाँ पॉज करके जो पढ़ सकते हैं, और इन्हीं के नाम पर जो है स्टेशन का नाम रखा गया है। और स्टेशन एंट्री करते ही आपको यहाँ पर देखिए, ओ माई गॉड, बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाया दोस्तों। तो सो स्टेशन में एंट्री करते ही आपको यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन दिख जाएगी, जहाँ पर ट्रेन के अराइवल, डिपार्चर्स और बाकी स्टेशन की सुविधाओं के बारे में जो इंडिकेटर्स है वो दिख जाएंगे। और एक चीज़ है कि स्टेशन को पूरा मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई है, और सारी सुख सुविधाएं जो है ना इसमें एकदम मॉडर्न फैसिलिटीज़ वाली हैं। यहाँ पर स्टेशन में आप देख सकते हैं आपको दोनों तरफ जाने के लिए जो है एस्केलेटर्स दिख जाएंगे। दोस्तों दो फ्लोर का ये स्टेशन बनाया गया है स्टेशन बिल्डिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्केलेटर के साथ साथ सीढ़ी भी दी गई है ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पर है दोस्तों इंक्वायरी सिस्टम और पूरा टिकट काउंटर, स्टेशन से एंटर करते ही आपको यहाँ पर टिकट काउंटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा रिटर्निंग रूम से लेकर डॉर्मेट्री से लेकर कैफेटेरिया वगैरह, वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। दोस्तों स्टेशन पर जो है लिफ्ट की फैसिलिटी भी मौजूद है, साथ ही साथ वॉशरूम्स वगैरह भी यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर भी मौजूद है। साथ ही साथ अगर आप एंटर करेंगे यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, तो एंटर करते स्ट्रेट आपको आना है और यहाँ पर आपको क्लॉक रूम दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप ऊपर चलते हैं और जानते हैं फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या सुविधाएँ मौजूद है इस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। और पीछे देख सकते हैं आप स्टेशन की साफ़ सफाई, मतलब ओ माय गॉड, इससे क्लीनेस्ट स्टेशन मैंने आज तक नहीं देखा, सच बता रहा हूँ। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे आते ही आपको यहाँ पर रिटायरिंग रूम बिल्कुल सामने ही नज़र आ जाएगा, यहाँ पर आके आप बुकिंग करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया हम लोग ने बुक किया है, 12 घंटे के दोस्तों फेयर लगता है लगभग 800 रुपीज़, और 24 घंटे का लगता है 1500। बाकी मेन और वुमेन के लिए डेडिकेटेड अलग अलग डॉर्मेट्री मौजूद है, एसी और नॉन एसी दोनों का फेयर आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जल्दी दोस्तों फार्मेसी की एक शॉप भी ओपन होने वाली है। दोस्तों ये डेडिकेटेड मेल की जो डॉर्मेट्री है, और देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरी और एकदम नई नवेली नज़र आ रही है, साथ ही साथ सारी सुख सुविधा इसमें मौजूद है। और खैर ये रही फीमेल डॉर्मेट्री, और सामने आप देख पा रहे हैं वहाँ पर मेल डॉर्मेट्री है,
और उससे थोड़ी दूर पर यहाँ पर फीमेल डॉर्मेट्री मौजूद है। साथ ही साथ स्टेशन का ये कैफेटेरिया है, फिलहाल यहाँ पर खुला नहीं है पर जल्द यहाँ पर कैफेटेरिया खुल जाएगा। चलते हैं दोस्तों अब सेकंड फ्लोर पे और जानते हैं सेकंड फ्लोर पर क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं। और सेकंड फ्लोर पर आते ही मिलेगा आपको सबसे बड़ा सरप्राइज, और ये लुक देखिए एयर कॉन्कर्स का, बहुत ही बड़ा बहुत ही वाइड स्टेशन दोस्तों बनाया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको चेयर जो है बैठने के लिए वेट करने के लिए मौजूद है, और इतनी है इतनी मात्रा में है कि आराम से 500-600 लोग यहाँ बैठ के वेट कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको स्टॉल्स देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बड़ा स्टेशन बनाया गया है दोस्तों। और स्टेशन के सेंटर में दोस्तों आपको लिफ्ट देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर सारी जगह इंडिकेटर्स बने हुए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ, सामने 4-5 की तरफ, और ये लिफ्ट आपको नीचे जाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एस्केलेटर्स और सीढ़ियाँ भी मौजूद है। चलिए फिलहाल दोस्तों चलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और यहाँ पर जो एस्केलेटर्स है ना ये बिल्कुल एयरपोर्ट टाइप वाले दिए गए हैं ताकि आप लगेज जो है आराम से ले जा सके। पैसेंजर्स के कम्फर्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। फिलहाल दोस्तों प्लेटफॉर्म पर हम लोग आ चुके हैं और प्लेटफॉर्म पर आपको पानी के पीने के पानी की सुविधा जो है देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों फिलहाल आप यहां से आके पानी अपनी बॉटल में भर सकते हैं, डायरेक्टली पी सकते हैं। तो दोस्तों स्टेशन से एग्जिट के लिए आपको सबवे मौजूद है यहां पर, और ये आप देख सकते हैं एग्जिट किस तरफ क्या क्या करना है कैसा करना है, और काफ़ी नीचे हाइट पर दोस्तों ये सबवे बनाया गया है। दोस्तों सबवे में नीचे आते ही आपको यहाँ पर फिर से इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, आपको जहाँ जहाँ भी जाना है, सामने डॉर्मेट्री, RPF, GRP थाना, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 की तरफ, रिटायरिंग रूम, क्लोक रूम। अच्छा एक चीज़ बता दो दोस्तों कि रिटायरिंग रूम जो है वो दोनों तरफ, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 5 दोनों तरफ मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन नंबर के साथ कोच पोजीशन और सब कुछ दिखाया जा रहा है, और जहाँ पर मार्क आ रहा है वो आपकी करंट पोजीशन है। और सामने खड़ी है दोस्तों गोरखपुर LTT एक्सप्रेस, और इसी का कोच नंबर और पूरा कोच कंपोजिशन एक ही डिस्प्ले में शो हो रहा है, और ये सबसे मॉडर्न डिस्प्ले सिस्टम है। दोस्तों फिलहाल ऊपर चढ़ते ही टॉप फ्लोर पे आपको यहाँ पर किड जोन एक्सप्रेस देखने को मिल जाएगी, जो कि एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं तो किड जोन एंटरटेनमेंट में आके यहाँ पर 50 रुपये के 2 राउंड ट्रेन लगाती है, बड़ा सा एरिया है पूरा यहाँ पर दोस्तों, इसके 2 राउंड ट्रेन लगाती है। फिलहाल हम लोग दोस्तों आ चुके हैं पूरे स्टेशन का टूर करके। आज सबसे पहले सत्या भाई जानते हैं, सत्या भाई बताइए जरा कैसा लगा स्टेशन आपको? स्टेशन काफ़ी कमाल का है भाई, इंटीरियर बहुत ही गजब है, एयरपोर्ट जैसे इंटीरियर बनाए हैं तो अच्छा लगा। मतलब एयरपोर्ट जैसे ही कहूँगा मैं, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो सुधार अभी और भी हो सकते हैं और जिनका काम अभी चल रहा है, जैसे इंटीरियर वगैरह तो शायद से दिखाएगा आपको, रूम्स के भी इंटीरियर दिखाएगा वो भी काफ़ी सही। दोस्तों फिलहाल हम लोग चलते हैं और जानते हैं रिटायरिंग रूम के इंटीरियर कैसे हैं, और टैरिफ तो मैं आप सभी को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ पर आप सभी को एक बार इंटीरियर व्यू दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों ये है वो रिटायरिंग रूम जिसको हमने 12 आवर्स के लिए बुक किया है, और इसकी टोटल कॉस्ट हमें 800 रुपीज़ पड़ी है। साथ ही साथ अगर बात करें इस रूम की तो रूम काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था, और वॉशरूम वाला जो एरिया था वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा था। दोस्तों वॉशरूम में गीज़र वगैरह मौजूद थे, और साथ ही साथ जो टॉयलेटरीज हैं वो भी यहाँ अंदर दी गई थी। दोस्तों ऐसा कुछ था हमारा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और स्टेशन काफ़ी खूबसूरत था, एक क्लास कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है दोस्तों ये। और एक चीज़ कहूँगा कि रेलवे भी अपग्रेड हो रहा है धीरे धीरे, अच्छी सुविधाएं दे रहा है पैसेंजर्स के लिए, काफ़ी अच्छी बात है। आई होप ऐसे से धीरे धीरे सारे स्टेशन जो है वो डेवलप हो और पैसेंजर का कम्फर्ट का ज़्यादातर ध्यान रखा जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग गाइस, आई होप आप सभी को रिव्यू है वो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल जिनको। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और जर्नीज में, ऐसे कुछ और रिव्यू वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखें। दिस इज श्रेयस जैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन।